अब बात आती है कि विंड एनर्जी जो हवा है उसको आप कैसे करोगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हवा तो हम बाहर अगर खड़े हो जाए तो हमारे पास हवा टकराती है, लेकिन उससे बिजली तो बनती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वो बनती नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि इलेक्ट्रिसिटी बनना चाहिए। तो पहले आप जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। अब हम विंड एनर्जी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम विंड एनर्जी के अंदर की बात करने वाले हैं। तो जो आपकी विंड एनर्जी है, ये मान लीजिए विंड एनर्जी, ये जो ब्लॉक है ये विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए जो इस विंड एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ आपको चाहिए कि जो इस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो जो बीच में हम ब्लॉक लगाते हैं, इनपुट उस ब्लॉक को जाता है विंड एनर्जी, और उससे आउटपुट हमारी निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इसका आप यूज़ करते रहो, है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो बीच में हम डब्बा लगाते हैं, डब्बा मतलब सिस्टम लगाते हैं जो कन्वर्ट करता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको कहा जाता है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है WECS। तो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या है? जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। ये विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है ना, कन्वर्ट करता है ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं कि कैसे ये विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम काम करता है। तो हम WECS को अब यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो ये जो आपकी हवाएं आ रही थी, दीज आर योर विंड, ये विंड है, ठीक है। हम लेफ्ट की तरफ राइट जाएंगे तो लेफ्ट में हमारी विंड एनर्जी रहेगी, राइट साइड में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ये विंड एनर्जी है, आपको पता होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो जनरेटर के थ्रू होती है। और जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर का प्रिंसिपल सिंपल ये रहता है कि उसमें रोटर रहता है। उस रोटर को अगर आप घुमाओगे, कभी आप कोई भी एक छोटी मोटी मोटर को पकड़ लेना और उसके आउटपुट में LED लगा देना, और उसके शाफ्ट को पकड़ के आप हाथ से अगर हिलाओगे तो LED जलने लगेगी। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन का, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको बेसिक में बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी तो आपको रोटेशन चाहिए, है ना। आप उसके शाफ्ट को अगर रोटेट कर दोगे तो उसके आउटपुट में, उसके जो टर्मिनल है वहाँ पर वोल्टेज डेवलप होने लगेगा। छोटी मोटर रहेगी तो कम वोल्टेज डेवलप होगा, बहुत बड़ा मोटर रहेगी तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज डेवलप होगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी जनरेटर का, ठीक है। उसमें एक शाफ्ट लगी रहती है, यहाँ मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका लास्ट ब्लॉक जो रहेगा आपका, ये आपका जनरेटर रहेगा। यहाँ से ही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है हमको। लेकिन ये जनरेटर में क्या रहता है ना, शाफ्ट कनेक्ट, शाफ्ट रहता है। इस शाफ्ट को हमको रोटेट करना रहता है, इस शाफ्ट को हमको रोटेट करना रहता है। शाफ्ट को आप रोटेट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, है ना। एक बेसिक मैं आपको विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, जनरेटर से होती है। तो जनरेटर को जो शाफ्ट रहती है, ये शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट मतलब जो चीज़ घूमती है, जब मोटर, आप मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो सामने का जो मेटल पोर्शन जो गोल गोल घूमता है उसको शाफ्ट कहा जाता है, ठीक है। उल्टा कर दो शाफ्ट को, अगर आप हाथ से घुमा दो तो टर्मिनल्स पे आपको वोल्टेज मिलने लगता है, उसी को हम जनरेटर कह देते हैं। जनरेटर एक्शन, मोटर एक्शन, दोनों एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब आपको शाफ्ट को अगर घुमाना है तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो आपको अब हाथ से तो आप घुमाओगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट करनी है ना, काफ़ी बड़ा वोल्टेज आपको जनरेट करना है। इसलिए हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे हम विंड टरबाइन लगाते हैं। ये हमारी विंड टरबाइन हुई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, विंड टरबाइन लगाते हैं। बताता हूँ मैं विंड टरबाइन क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। विंड टरबाइन क्या होता है, इसको आप पंखा समझ लो सिंपल भाषा में। जब बाहर की हवा इसमें आके टकराएगी तो ये रोटेट होने लगता है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, ये रोटेट होने लगता है। तो ये जो जो चीज़ रोटेट होती है उसको रोटर ब्लेड कहा जाता है, ठीक है।
तो इसमें ये रोटर ब्लेड हो गई, एक यहाँ पे ब्लेड हो गई, एक यहाँ पे ब्लेड हो गई। ये सेंटर पोर्शन है, इसको हब कहा जाता है, ठीक है। कई बार इसको किसी किसी लिटरेचर में रोटर भी कहा जाता है, तो रोटर मैं बोलूँ चाहे हब बोलूँ उसको आप समझ जाना, ठीक है। तो विंड टरबाइन क्या कर रही है, ये जो हमारी विंड एनर्जी थी, ठीक है, विंड एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। कैसे, जब विंड आके इन ब्लेड से टकराएगी तो ये ब्लेड में एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, उस प्रेशर की वजह से ही ये जो ब्लेड्स हैं आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगी। तो हो क्या रहा है, आपका रोटेशन आपको मिलने लगता है, ठीक है। किस डायरेक्शन में रोटेट होगी डिपेंड करेगा ब्लेड कितने एंगल पे लगी हुई है ना, वो बात अलग है, वो डिस्कस करेंगे अभी। तो विंड एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, किसके थ्रू, विंड टरबाइन के थ्रू। कैसे, विंड टरबाइन ने क्या किया, विंड टरबाइन ने जो हवा आ रही थी उसको रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रोटेशन तो आपको मिलने लगा, तो क्या आप ये रोटेशन सीधे जनरेटर को दे दोगे, जरा आप सोचना। क्या हम ये जो हमारा रोटेशन हमको मिल रहा था, तो क्या हम उसको सीधे जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो जनरेटर में क्या चाहिए था, रोटेशन, और हमको रोटेशन विंड टरबाइन करके दे रही है, तो क्या हम इसको सीधे कनेक्ट कर दें, नहीं, नहीं कनेक्ट कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लेड है बहुत स्लो रोटेट होती है। आप देख लेना कोई भी विंड टरबाइन आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेड रहती है, करीब 200-300 मीटर की उसकी ब्लेड रहती है, ठीक है। ये जो लेंथ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो लेंथ है विंड टरबाइन की करीब 200-300 मीटर रहती है। 200-300 मीटर आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी ब्लेड है, ठीक है, और एक नहीं है, दो तीन रहती है। अब ये ब्लेड कितनी, इनको बहुत तेज तो घुमा नहीं सकती विंड, इसलिए विंड में जितनी एनर्जी होगी वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ये रोटेट होती है। तो यहाँ इस ये जो हमारा सेंटर पार्ट रहता है रोटर से, इससे भी एक शाफ्ट कनेक्ट रहता है, वो रोटेट होगा लेकिन वो बहुत स्लो रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ की रोटेशन क्या रहती है, स्लो रोटेशन, और ये वाला शाफ्ट हमारा स्लो रोटेट होता है, इसलिए इसको स्लो शाफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये विंड टरबाइन से कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली, और विंड टरबाइन हमारी स्लो रोटेट होती है, ठीक है, इसलिए इसको स्लो रोटेशन कहा जाता है। जनरेटर से जो शाफ्ट कनेक्ट रहता है उसको हमेशा फास्ट शाफ्ट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसको आप तेज घुमाओगे तभी वो बिजली जनरेट होगी, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये सिंपल सा फंडा है ना, V इक्वल टू L d/dt ऑफ I, है ना, I को हटा दोगे आप फ्लक्स आ जाएगा, तो ये रेट ऑफ चेंज जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा, और रेट ऑफ चेंज कैसा रहेगा, इसको घुमाओगे तो जितना जल्दी घुमाओगे उतना जल्दी रेट ऑफ चेंज होगा। तो सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना आप समझो कि जनरेटर में, जनरेटर से जो शाफ्ट कनेक्ट रहता है उसको फास्ट शाफ्ट कहा जाता है, क्योंकि वो फास्ट रोटेट होता है। विंड टरबाइन से जो शाफ्ट कनेक्ट रहता है उसको स्लो शाफ्ट कहा जाता है, क्योंकि वो स्लोली रोटेट होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, ऐसे बीच में क्या लगाएं जो स्लो शाफ्ट को हाई शाफ्ट के साथ, फास्ट शाफ्ट शाफ्ट के साथ कपल कर सके, या स्लो रोटेशन को फास्ट रोटेशन में कन्वर्ट कर सके। तो इसमें लगाया जाता है आपका गियर ट्रेन, ठीक है, यहाँ बीच में एक आता है आपका गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या करता है, आपका स्लो रोटेशन को फास्ट रोटेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे साइकिल आप लोग चलाते होंगे, सभी ने साइकिल चलाया है, ठीक है, यहाँ साइकिल मैं बना देता हूँ, तो वो कैसी भी हो उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन हाँ ये साइकिल लग रही है। तो साइकिल में आपने देखा होगा इसमें चैन सिस्टम रहता है, ठीक है, यहाँ एक बड़ा गियर रहता है, यहाँ एक छोटा गियर रहता है, और ये आपस में चैन से कनेक्ट रहते हैं। तो ये भी एक गियर ट्रेन हुई, ट्रेन का मतलब है एक से ज़्यादा गियर ना, कुछ ऐसे, उसमें बहुत भारी शब्द नहीं है वो गियर ट्रेन। जैसे अगर ट्रेन है, आप ट्रेन में देखोगे एक डब्बा नहीं रहता, अगर एक डब्बा है तो उसको आप बोगी बोलते हो, या उसको आप सिंपल इंजन है तो इंजन बोलते हो, ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बोगी लगी हुई तो उसको आप ट्रेन बोलते हो। तो ट्रेन का मतलब होता है जहाँ भी एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तो गियर ट्रेन का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा गियर हो। तो जब साइकिल आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा गियर रहता है, यहाँ पे बड़ा गियर रहता है, दोनों चेन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप पैडल मारते हो, इनसे पैडल हमारा कनेक्ट रहता है, तो जब आप पैडल मारते हो तो स्लो रोटेशन को ये हाई रोटेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा ताकत लगाते हो लेकिन आपकी साइकिल ज़्यादा आगे तक जाती है
तो ये आप बचपन से इस्तेमाल करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है गियर ट्रेन का, ठीक है। अब क्या साइज होना चाहिए इसका, छोटे गियर का कितना होना चाहिए, बड़े गियर का कितना होना चाहिए, वो अलग बात है। तो गियर ट्रेन क्या करता है, गियर ट्रेन आपका स्लो रोटेशन को फास्ट रोटेशन में कन्वर्ट करता है, ताकि टर्बाइन का शाफ्ट इससे कनेक्ट हो जाए और फास्ट रोटेट करने लगे। ये एक सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल हो गया, लेकिन सिर्फ इतना नहीं रहता है, ठीक है। जो आपका जनरेटर बिजली पैदा करेगा वो उतनी क्लीन नहीं रहेगी, उसमें हार्मोनिक्स रहेंगे, उसमें बहुत प्रकार की चीज़ें रहेंगी, ठीक है, डिस्टॉर्शंस रहेंगे। तो उनको रिमूव करने के लिए आगे यहाँ पे सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक भी रहता है, सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक। ये क्या करता है, ये कुछ नहीं, ये अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो जनरेटर का जो सिग्नल निकल रहा था उसको कंडीशन कर देता है, कंडीशन का मतलब उसको साफ कर देता है, उसमें जो भी डिस्टॉर्शन थी, जो भी उसमें दिक्कतें थी, उनको हटाता है। अब इसके अंदर ये रहता क्या है, रहता कुछ नहीं, आपका इलेक्ट्रॉनिक से सारी प्रोसेसिंग होती है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर रहते हैं जिसमें एल्गोरिदम हम लिख के डाल देते हैं, और वो एल्गोरिदम जब भी ये बिजली आती है तो वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है, ठीक है, बेसिक सा यही रहता है। तो अब देखो ये एक हो गया, अब इसमें क्या रहता है, अब खुद सोचो अगर बहुत ज़्यादा तेज बिजली आ गई, बिजली सॉरी, अगर बहुत ज़्यादा तेज विंड आ गई तो वो विंड क्या करेगी, आपकी ब्लेड को बहुत ज़्यादा तेज़ रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही रोटेट होते रहे, क्योंकि जनरेटर को एक फिक्स स्पीड चाहिए तभी वो आउटपुट में फिक्स वोल्टेज दे सकता है। तो आप चाहते हो रोटेशन हमारे एक पर्टिकुलर स्पीड पे होता रहे, ठीक है, उस स्पीड को हम रेटेड स्पीड भी कहते हैं, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो क्या होता है, कई बार ना आपको रेटेड स्पीड पर लाने के लिए ब्रेक लगाने की भी जरूरत पड़ती है, जैसे साइकिल में ब्रेक लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें भी ब्रेक लगता है। तो गियर ट्रेन के आसपास यहाँ कहीं एक ब्लॉक रहता है जिसे हम ब्रेकिंग सिस्टम कह सकते हैं। वो क्या करता है, वो इन टर्बाइन को ब्रेक रोकना रोकता है। कब रोकेगा, दो टाइम पे रोकेगा, पहला तो जब आपकी विंड बहुत ज़्यादा हो गई तब, और दूसरा जब आपकी विंड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। अब दोनों में क्यों ऐसा क्यों रोकना ज़रूरी है, जब विंड हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो रोटेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा और उतना हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। और जब जब विंड आपकी बहुत ज़्यादा स्लो है तो आपको रोटेशन मिनिमम मिलेगा, उससे हमारी बिजली जनरेट हो नहीं सकती, तो हम क्यों फालतू की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करें। तो उस समय हम जनरेशन रोक देते हैं, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, और क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया जब विंड ज़्यादा हो जाएगी तब हम इसको करें। लेकिन वहाँ कोई बंदा नहीं बैठा रहता जो ब्रेक अप्लाई करता है, हटाता है, ठीक है, ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक रहती है। अब पता कैसे चलेगा कि विंड कितनी है, तो ये विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में एक और ब्लॉक लगा रहता है जिसको हम एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर क्या करता है, ये विंड की वेलोसिटी को नापता है, ठीक है, ये क्या करता है, मेजर करता है, इट मेजर विंड वेलोसिटी, ये विंड वेलोसिटी को मेजर करता है और वो इन्फॉर्मेशन फिर देता है सिग्नल कंडीशनर ब्लॉक को, फिर सिग्नल कंडीशनर ब्लॉक ब्रेक को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है भैया विंड अभी सही स्पीड पे है तो ब्रेक हटा लो, विंड अगर सही स्पीड पे नहीं है तो नहीं हटाओ। तो ये आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू था आपका विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का, कि किस प्रकार से आपकी विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको विंड एनर्जी मिल रही है, और एकदम एक्सट्रीम राइट में देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। ये पूरे के पूरे सिस्टम को आप एक ब्लॉक के अंदर रख दोगे, एक ब्लॉक के अंदर रख दोगे, तो उस ब्लॉक को कहा जाएगा WECS, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम।